आज हम आपको साहेबगंज जिले के तेलियागढ़ी में ले आए हैं। मेरे पीछे जो ये पुराना जर्जर भवन देख रहे हैं, यह कभी राजा का गढ़ हुआ करता था, तेली राजा का गढ़ हुआ करता था। और यहाँ पर दारू साहू नामक एक जो साहूकार थे, बड़े सेठ थे, वो यहाँ रहते थे और इस इलाके में अपना राज चलाते थे। कुछ लोगों का कहना है कि जो यहाँ जमींदार थे दारू साहू, वो लुटेरा थे और उनकी छवि थी रॉबिनहुड की। वो अमीरों को लूटते थे और गरीबों में बांटते थे। यही वजह है कि इसका तेलियागढ़ी नाम पड़ा है। और यह साहेबगंज जिले के साहेबगंज जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ी के तलहट्टी में अवस्थित है। आज हम आपका इसका दीदार कराएंगे। झारखंड के साहेबगंज जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर की दूरी में पहाड़ी पर स्थित तेलियागढ़ी का किला अपने आप में प्राचीन इतिहास को समेटे हुए है। यहां पहुंचने के लिए साहेबगंज जिला मुख्यालय से सड़क मार्ग द्वारा 10 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है। पहाड़ी के ऊपर स्थित यह किला कभी पश्चिम बंगाल का प्रवेश द्वार हुआ करता था और यही वजह है कि इसे आज भी गेटवे ऑफ इंडिया के नाम से पुकारा जाता है। साहेबगंज जिला मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ के किनारे जो अभी तेलियागढ़ी का अवशेष आप देख पा रहे हैं, तो यह एक बहुत इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। खास करके जब मुगलकालीन शासन में बताया जाता है कि जो साहेबगंज की गंगा बहती है, वह गंगा तेलियागढ़ी के जस्ट नीचे से ही बहा करती थी और एक बिजनेस का बहुत बड़ा ये कॉर्नर हुआ करता था। और सुरक्षा के भी ख्याल से मुगल काल में एक ये किला सुरक्षा के दृष्टिकोण से सिपाहियों को, सेनाओं को यहाँ पर रख करके पूरे पश्चिम बंगाल, बिहार और नेपाल के इलाके का कवर इसी सुरक्षा पॉइंट से तेलियागढ़ी को पॉइंट बना करके सुरक्षा किया जाता था। तेलियागढ़ी के किले का इतिहास काफी पुराना है। यहाँ स्थित टीलों की खुदाई करने से इसका वास्तविक स्वरूप आ सकता है। यहाँ पर मौजूद किले के अंदर से रास्ता होने के भी प्रमाण मिलते हैं। किले की मौजूदगी का उल्लेख मौर्य काल से मिलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए यवन राजदूत मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक में इस किले का उल्लेख किया है, जिसमें बौद्ध विहार के रूप में इसका उल्लेख है। वर्तमान में यह तेली राजा दारू साही साहू के किला तेलियागढ़ी के तौर पर जाना जाता है। साहेबगंज का तेलियागढ़ी किला यह एक ऐतिहासिक धरोहर है, साहेबगंज ही नहीं बल्कि पूरे संथाल परगना क्षेत्र के लिए। और इतिहासकार बताते हैं कि यह 16वीं शताब्दी का बना हुआ यह किला है, जबकि यहाँ पे दारू साहू नाम का एक तेलिया राजा थे जो इस पर राज किया करते थे, जिन्होंने इसे इस प्रकार से एक युद्धक किला के रूप में तब्दील कर दिया था, जिस समय कि किसी भी विदेशी को, आक्रमणकारी को बंगाल में प्रवेश करने से पहले वहाँ पे एक युद्ध का सामना करना पड़ता था, जो इतिहासकार बताते हैं। इसलिए इसका नाम गेटवे ऑफ बंगाल भी रखा गया था, यानी कि बंगाल में प्रवेश करने के लिए एकमात्र रास्ता था जिससे होकर के लोगों को गुजरना पड़ता था। और इसका जो इंटीरियर डेकोरेशन था इतना सुंदर था कि सारी व्यवस्थाएं जो है वह एक वैज्ञानिक तरीके से की गई थी, ताकि वहां पर रहने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, चाहे वह पानी की व्यवस्था हो, चाहे बिजली की, सूर्य की रोशनी की व्यवस्था हो या थर्मल किसी भी व्यवस्था हो। इसके साथ साथ इतिहासकार बताते हैं कि यहाँ पर एक रात के लिए गौतम बुद्ध भी यहाँ ठहरे थे और चीनी यात्री जो ह्वेनसांग थे उन्होंने भी इस ओर से यात्रा की और तेलियागढ़ी किला में एक रात के लिए वो भी ठहरे थे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि साहेबगंज का यह किला न केवल ऐतिहासिक रूप से बल्कि सामरिक रूप से भी काफी महत्व का चीज था। इतिहास की अगर चर्चा करें तो हर्षवर्धन के समय इस क्षेत्र से गुजरे चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी इस किले का उल्लेख किया है। 16वीं सदी में भारत आए ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ एवं 18वीं सदी में इधर से गुजरे
फ्रांसिस बुकनान ने भी अपनी रचनाओं में इस किले का उल्लेख किया है। देखिए, तेलियागढ़ी जैसा कि हम जानते हैं कि मौजकार और हमारा जो मुगल शासक है, उस समय का जो हमारा तेलियागढ़ी है कि जो दागेस्तानी थे उन्होंने अब इंडिका में इनके इतिहास का पूरा जिक्र है और कहा जाता कि ये गेटवे ऑफ इंडिया था, बंगाल का जो हमारा ये था, यहीं से लोग यहाँ से पूरे जो प्रशासक होते थे उनका यहाँ से संचालन होता था, सैन्य हो या फिर अन्य जो व्यवसाय हो उसको लेकर के। और आज भी उसमें इतिहास के गर्भ में जो तेलियागढ़ी है बहुत सारे चीज़ ऐसे छिपे हुए हैं, अगर उसको कुरेदा जाए, अगर उसको फिर से उसको खुदाई किया जाए तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें मिलेंगी जो इतिहासकार के लिए और हमारे जो इतिहासकारों ने लिखा है और कुछ अनछुई पहलू जो है वह हमको मिलेगा। वर्तमान में इस किले का अस्तित्व समाप्त होता जा रहा है। किला झाड़ियों से भर जाने के कारण इसका ध्वंसावशेष नजर नहीं आता है। यहां पर्यटक आते तो हैं लेकिन मायूस होकर चले जाते हैं। सरकार ने पर्यटन विभाग के द्वारा यात्री निवास भी बनवाया है लेकिन वह रहने लायक नहीं है। लोगों का मानना है कि अगर इस किले की खुदाई की गई तो यहाँ की गौरवशाली इतिहास समाज के सामने होगा। आज हमने आपको तेलियागढ़ी किले का स्टोरी बताया है, कहानी बताया है, उसके इतिहास पर चर्चा किया है। यहाँ का जो इतिहास है वो काफ़ी समृद्ध है लेकिन इसका संरक्षण नहीं हो पा रहा है। सरकार को चाहिए कि इसकी संरक्षण हो और लोगों के बीच में इसकी जानकारी मिले ताकि यह जगह पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो सके। और अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल ट्रैवल विद देवाशीष भारती को सब्सक्राइब करें।